महाराजा अगरसेन जयंती एवं इतिहास। अगरसेन जयंती आश्विनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि के प्रथम दिन मनाई जाती है। इस दिन भव्य आयोजन किए जाते हैं एवं विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। महाराजा अगरसेन अग्रवाल अर्थात वैश्य समाज के जनक कहे जाते हैं। अगरसेन जी का जन्म क्षत्रिय समाज में हुआ था। अगरसेन राजा वल्लभ सेन के सबसे बड़े पुत्र थे। कहा जाता है इनका जन्म द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था, जिस वक्त राम राज्य हुआ करते थे, अर्थात राजा प्रजा के हित में कार्य करते थे, देश के सेवक होते थे। यही सब सिद्धांत राजा अगरसेन के भी थे, जिसके कारण वे इतिहास में अमर हुए। इनकी नगरी का नाम प्रताप नगर था। राजा खुशहाली से चल रहा था। यह एक प्रिय राजा की तरह प्रसिद्ध थे। इन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। महाराजा अगरसेन जी का पहला विवाह नागराज कन्या माधवी जी से हुआ था। माधवी बहुत सुंदर कन्या थी। इस विवाह में स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जिसमें राजा इंद्र ने भी भाग लिया था। लेकिन माधवी जी के अगरसेन जी को वर के रूप में चुनने से इंद्र को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने प्रताप नगर में अकाल की स्थिति निर्मित कर दी। जब प्रताप नगर को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने माता लक्ष्मी जी की आराधना की, माता लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर अगरसेन जी को सलाह दी कि यदि तुम कोल्हापुर के राजा नागराज महिराथ की पुत्री का वरण कर लेते हो तो उनकी शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तब इंद्र को तुम्हारे सामने आने के लिए अनेक बार सोचना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने राजकुमारी सुंदरावती से दूसरा विवाह कर प्रताप नगर को संकट से बचाया। तत्पश्चात राजा अगरसेन ने इंद्रदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अगरसेन महाराज की स्थिति बेहतर थी। इस प्रकार उनका जितना त्याग लग रहा था, लेकिन देवताओं ने नारद मुनि के साथ मिलकर इंद्र और अगरसेन के बीच का बैर खत्म किया। इन्हें मनुष्यों के साथ साथ पशुओं एवं जानवरों से भी लगाव था। उस समय आहुति के रूप में पशुओं की बलि दी जाती थी। उन्होंने यज्ञों में पशु की आहुति को गलत करार दिया। इस कारण उन्होंने समृद्धि की इच्छा लेकर अगरसेन ने तपस्या में अपना मन लगाया, जिसके बाद माता लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने अगरसेन को एक नवीन विचारधारा के साथ वैश्य जाति बनाने एवं एक नया राज्य रचने की प्रेरणा दी। कुल देवी लक्ष्मी जी के मतानुसार उन्होंने क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म स्वीकार किया था और अग्रवाल समाज की उत्पत्ति की। इस प्रकार वे अग्रवाल समाज के जन्मदाता देव माने जाते हैं। अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराजा अगरसेन ने अपनी पत्नी माधवी के साथ पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें एक जगह शेर तथा भेड़िए के बच्चे एक साथ खेलते मिले। इसे देवीय संदेश मानकर ऋषि मुनियों की सलाह अनुसार इसी जगह पर नए राज्य अग्रेनगण की स्थापना की, जिसे आज अग्रोहा नाम से जाना जाता है। यह स्थान हिसार हरियाणा में हिसार के पास स्थित है। यहाँ महाराजा अगरसेन और माँ लक्ष्मी देवी का भव्य मंदिर है। इनकी नगरी अग्रोहा में सभी मनुष्य धन धान्य से सकुशल थे। राजा ने अगरसेन ने वैश्य जाति का जन्म तो कर दिया, लेकिन इसे व्यवस्थित करने के लिए 18 यज्ञ हुए। अग्रवाल समाज के लिए 18 गोत्र का जन्म इनके 18 पुत्रों के द्वारा ऋषियों के सानिध्य 18 यज्ञों द्वारा किया गया था।
अग्रसेन महाराज के 18 पुत्र थे। उन 18 पुत्रों को यज्ञ का संकल्प दिया गया, जिन्हें 18 ऋषियों ने पूरा करवाया। इन ऋषियों के आधार पर गोत्र की उत्पत्ति हुई, जिसने भव्य 18 गोत्र वाले अग्रवाल समाज का निर्माण किया। इस यज्ञ के समय जब 18वें यज्ञ में पशु बलि की बात आई, तो राजा अग्रसेन ने इस बात का विरोध किया। इस प्रकार अंतिम यज्ञ में पशु बलि को रोक दिया गया। अग्रसेन जी ने अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित कर अपने 18 पुत्रों को सौंप उनके 18 गुरुओं के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की थी। सकुशल राज्य की स्थापना कर राजा अग्रसेन ने अपना यह कार्यभार अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। इन्होंने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया था। महाराजा अग्रसेन एक प्रौनानिक, कर्मयोगी, लोकनायक, समाजवाद के प्रणेता, युगपुरुष, तपस्वी, राम राज्य के समर्थक एवं महादानी थे। इन्होंने न्यायप्रियता, दयालुता, कर्मठ एवं क्रियाशीलता के कारण इतिहास के पन्नों में एक भगवान के तुल्य स्थान दिया गया। इस प्रकार गठित इस वैश्य समाज ने धन उपार्जन के रास्ते बनाए, जो आज तक यह जाति व्यापार के लिए जानी जाती है। इस संस्कृति की स्थापना से ही व्यापार का दृष्टिकोण समाज में विकसित हुआ। राजा अग्रसेन ने ही समाजवाद की स्थापना की, जिसके कारण लोगों में एकता का भाव विकसित हुआ। साथ ही सहयोग की भावना का विकास हुआ, जिससे जीवन स्तर में सुधार आया। अग्रवाल समाज में अग्रसेन जयंती सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाई जाती है। पूरा समाज एकत्रित होकर इस जयंती को विभिन्न तरीकों से मनाता है। वैश्य समाज के अंतर्गत अग्रवाल समाज के साथ जैन, महेश्वरी, खंडेलवाल आदि भी आते हैं। वे सभी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पूरा समाज एकत्रित होकर इस जयंती को मनाता है। इस दिन भव्य झांकी में शोभा यात्रा निकाली जाती है और अग्रसेन महाराज का पूजन पाठ आरती किया जाता है। अग्रसेन जयंती के 15 दिन पूर्व से समारोह शुरू हो जाता है। समाज में कई नाटिका एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बच्चों के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। यह उत्सव पूरे समाज के साथ मिलकर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है एक ईंट और एक रुपए का समाजवादी सिद्धांत। एक बार अग्रोहा में अकाल पड़ने पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई। ऐसे में समस्या ढूंढने के लिए अग्रसेन जी वेश बदलकर नगर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक परिवार में सिर्फ 4 सदस्यों का ही खाना बना था, लेकिन खाने के समय एक अतिरिक्त मेहमान के आने पर भोजन की समस्या हो गई। तब परिवार के सदस्य ने 4 ही थालियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर 5वीं थाली परोस दी। मेहमान की भोजन की समस्या का समाधान हो गया। इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक ईंट और एक रुपया के सिद्धांत की घोषणा की, जिसके अनुसार नगर में आने वाले हर नए परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार की ओर से एक ईंट और एक रुपया दिया जाए। ईंटों से वो अपने घर का निर्माण करें एवं रुपयों से व्यापार करें। इस तरह महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद के प्रेमता के रूप में पहचान मिली। महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान। भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने इन पर कई किताबें लिखी हैं। इनकी नीतियों का अध्ययन कर उनसे ज्ञान लिया गया। इन्होंने ही लोकतंत्र, सामाजिकता, आर्थिक नीतियों को बनाया एवं इसका महत्व समझाया।
अगरसेन महाराज ने अपने विचारों एवं कर्मठता के बल पर समाज को एक नई दिशा दी। उनके कारण समाजवाद एवं व्यापार का महत्व सभी ने समझा। इसी कारण भारत सरकार ने महाराजा अगरसेन के नाम पर 24 सितंबर 1976 में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया था, जिसमें महाराजा अगरसेन की आकृति डलवाई। सन 29 सितंबर 1976 में इन्हें राज्य अग्रोहा को धार्मिक धाम बनाया गया। यहां अगरसेन जी का मंदिर बनवाया गया, जिसकी स्थापना 1969 वसंत पंचमी के दिन की गई। इसे अग्रवाल समाज का तीर्थ कहा जाता है। भारत सरकार ने 1995 में दक्षिण कोरिया से 350 करोड़ रुपए में एक विशेष तेल वाहक जहाज खरीदा, जिसका नाम महाराजा अगरसेन रखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का आधिकारिक नाम महाराजा अगरसेन पर है। आज भी दिल्ली में अगरसेन की बावड़ी है, जिसमें उनसे जुड़े तथ्य रखे गए हैं। अगरसेन महाराज द्वारा कहे गए अनमोल वचन। जिस प्रकार हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है, हमें ऐसा जीवन बनाना होगा कि हम कह सकें कि हम मृत्यु से पहले स्वर्ग में थे। मैंने किसी पक्षी को तीर का निशान बनाने के बजाय उन्हें उड़ता देखना पसंद करता हूँ। अगरसेन महाराज पर लिखित कविता। घोड़े पर बैठकर जब चलते हैं अगरसेन, बच्चा बच्चा कहता है कि हम इनकी देन। पशुओं से प्रेम में परंपरा को झुटला डाला, पशु बलि को रोकते हुए नए समाज का निर्माण कर डाला। क्रमता का प्रतीक है, इनके स्वभाव में ही सीख है, ऐसी परंपरा बनाई आज तक जो चली आ रही है वही रीत है। जनक पिता बनकर इन्होंने नव समाज निर्माण किया, इनके ही विचारों के कारण आज यह वैश्य जाति ने उद्धार किया। अगरसेन जी की राह पर हम सबको अब चलना है, नहीं झुकेगा सिर, अब सिर उठाकर जीना है। ऊंच नीच का भेद मिटाए हम सब सम्मान है, निर्धन हो या धनी धरती पर सिर्फ इंसान है। प्यार अमन के दीप हमें पग पग पर चलना है, जागो उठो साथ चलो जग को यही बताना है।